चुपचाप लेटी रहो, बहुत परेशान कर रखा है तुमने। पूरे एक घंटे से कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें जगाने की। कौन हो तुम? सूरत से क्या लगता है? जानवर। तो लगता है कि आप अभी तक होश में नहीं, मुझे दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। छोड़ दो मुझे, मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करना। मैं अच्छी तरह जान गई कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ किस लिए लाए। आप काफी समझदार मालूम होती है, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। मैं यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती, जाने दो मुझे। बस यही एक बात है मैडम जो आपकी मैं नहीं मान सकता, वैसे अगर आप कहें तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम जैसे गुंडे तो जान लेना जानते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब आप अपनी आंखों को ज्यादा तकलीफ ना दीजिए, ये नाइट सूट लीजिए और चुपचाप इसे पहन के सो जाइए। मैं ये कपड़े बिल्कुल नहीं पहनूंगी, मैं जाऊंगी जाऊंगी जरूर जाऊंगी, देखते हैं मुझे कौन रोकता है। वैसे मैं आपको रोक तो नहीं सकता। ये छोटा सा खिलौना है जिसका नाम है पिस्तौल, और इसके काम तो आप समझ में। मुझसे बाजी जीतना नामुमकिन है मैडम रोशनदानी। मेरा नाम रोशनदानी नहीं है। तो फिर अपने आपका नाम मिस सुरमदानी है। अच्छा तो मिस ब्रूट, अब आप मेरे हाल पर रहम खाइए और आराम से सो जाइए। मैं आपसे कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ, यहाँ से भागना बिल्कुल नामुमकिन है। देखते हो तो मुझे कैसे जानने नहीं देते, अगर गिन गिन के बदले ना ली तो मेरा नाम भी। मिस रेशमा मैं जानता हूँ, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? अजी मेन साहब मैं क्या क्या नहीं जानता। कहाँ हो मैडम रोशनदानी? मैंने कई बार कहा है मेरा नाम रोशनदानी नहीं है। भूल गया, इस लिबास में तो आपका नाम मिस क्यामत होना चाहिए। अच्छा लेकिन अब ये भी तो बताइए क्या आपको कैसे भूला जाए? जी अब तो हम भी आपके अदाओं के आशिक होते जा रहे हैं। कितनी भोली हो तुम, शराब और शरबत में फर्क नहीं समझते। धोखेबाज फरेबी, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? यहाँ से तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं जा सकते। आखिर तुम चाहते क्या हम उसे? कितनी बात दोहराना पड़ेगा, मुझे वो फॉर्मूला चाहिए जिसे प्रोफेसर साहब ने इजाद किया है। फॉर्मूला तो नहीं मिल सका लेकिन उसे डिकोड करने वाली लड़की तो मिल गई। और याद रहे, तुम यहां से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे डैडी की खैर नहीं, समझी? क्या मतलब? मतलब ये कि अपने मतलब के लिए मैं उन्हें स्वर्ग पहुंचा दूंगा, मैं उनका खून कर डालूंगा। इससे पहले मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। लो ले जाओ मेम साहब को और सेल नंबर 3 में बंद कर दो, शायद इनका दिमाग वहां ठिकाने लग जाएगा।
आइए मिस रेशमा। तो तुम भी मेरा नाम जानती हो? बास ने बोला है इनका खास ख्याल रखना, बास के मेहमान है ये। शट अप, मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगी। रास्ते बोलिए, कहीं किसी ने सुन लिया तो वाकई पुलिस आ जाएगी। लिखा है कि लड़की के बगैर तुम्हारे लिए फार्मूला बेकार है, अगर 1,00,000 रुपए का नीचे लिखे हुए पते पर आ। जाने के बाद तुम्हें यहां 15 मिनट रुकना होगा। शेरी आइए। गुंडा, पैसे के लिए मुझे बेच रहे हो? आइए। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चुपचाप बैठी रहो। कॉलिंग TK 505 909 रिपोर्टिंग ओवर। कॉलिंग TK 505 909 रिपोर्टिंग ओवर। Yes. Black Desoto. Car number BML 4015. अच्छा, तो शिकारी हमारे साथ में? कोई बात नहीं, हमने भी पूरा बंदोबस्त कर रखा है। जूलियन, स्पीड बढ़ाओ। Coming, boss. 404 is speaking. Car number BML 4015. 4015, Desoto. Okay, boss. Yes, जी हाँ, मैं गाड़ी का पीछा कर रहा हूँ। Thank you.
वो गाड़ी जा रही है। आते हुए तो देखा लेकिन तो फिर कहाँ गायब हो सकती है? गैरेज देखा है क्या? सर गैरेज तो बंद है और इतने कम वक्त में गाड़ी अंदर कैसे पहुंच सकती है? नेवर माइंड, लेट्स चेक। ओके, कम ऑन, लॉक तोड़ना पड़ेगा। बंद है इसे। देखो रेशमा, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, ना हम तुम्हें को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो फिर क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि तुम इस फार्मूले को डिकोड कर दो। ये ऐसी जबान में लिखा हुआ है जिसे तुम और प्रोफेसर समझ सकते हैं। हम तुम्हारी पूरी कीमत अदा कर चुके हैं, अब तुम अपना काम करो। ये मुझसे हरगिज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि तुम मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो। ये यहाँ का रखवाला भी है और माली भी, जरा ऊंचा सुनता है। इस कोठी में कौन रहता है? क्या कहा आपने? इस कोठी में कौन रहता है? यहाँ गोविंद मेहता नहीं रहता। मैं पूछता हूँ, इस कोठी में कोई रहता है या खाली है? हम ही माली है साहब, हम ही माली है। अरे माली के बच्चे, मैं पूछता हूँ ये कोठी में कोई रहता है या खाली है? रहता था साहब, मगर अब सब माथेराम चला गया है। हम उस झोपड़ी में रहता है साहब, वो झोपड़ी में। उस गैरेज में ट्रैक्टर किस लिए रखा है? नहीं, डॉक्टर को हम नहीं बुलाया साहब, हम बीमार नहीं। ट्रैक्टर? ट्रैक्टर साहब, वो हमारा साहब खेती बाड़ी करता है ना, इसलिए वो लाया है साहब। हमारे साथ चलो साहब। Hey, Dad. Oh.